प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी एवं ऑफिसर संघ लंबित मांगों को लेकर लामबंद हो गया है और संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज से बैंक से ऋण वितरण प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही संघ ने बैंक चेयरमैन पर झूठा एनपीए दिखाकर करोड़ों की धांधली करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर संघ ने निर्णय लिया है कि विरोध के तौर पर 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी सांसदों के घरों के बाहर आमन अनशन शुरू करेंगे तो 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एनके नंदा ने कहा कि बिना वजह से शाखा प्रबंधन डीसी शर्मा को 17 अक्टूबर 2014 को चार्जशीट कर जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम गड़बड़ियों की शिकायत नवार्ड, पीएनबी, आरबीआई, सीवीसी और वित्त मंत्रालय से संगठन के सदस्यों का उत्पीड़न होने की शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। के अध्यक्ष ने सतीश कुमार चावला ने असंवैधानिक तरीके से हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के नेता श्री डीसी शर्मा जी को सर्विस से रिमूव कर दिया। इसका हम सब कर्मचारी और अधिकारियों में रोष है और हम मांग करते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तुरंत प्रभाव से ऑर्डर जारी करे, सतीश कुमार चावला को सस्पेंड करने के, इसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के और डीसी शर्मा जी का जो पेनल्टी दी गई है उसको अविलंब निरस्त किया जाए, उनकी जो नौकरी है वो बहाल की जाए। नहीं किया गया तो बैंक आंदोलन की राह पकड़ेगा। 18 निर्णय जो अभी कार्य समिति ने निर्णय लिया है उसके अनुसार सबसे पहले हम सोमवार से ऋण देना बंद कर रहे हैं, ऋण का आवंटन नहीं होगा। 7 दिसंबर से सभी हिमाचल प्रदेश के सांसदों के घर या कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश में ही अमरण अनशन शुरू किया जाएगा और 12 तारीख को हड़ताल की जाएगी, 13 दिसंबर को हड़ताल की जाएगी और 1 जनवरी 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इस अवसर पर संगठन मंत्री अशोक ठाकुर, महासचिव मंगल राम नेगी, जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा, अनुराग जोशी और एमपी सोनी भी मौजूद रहे।